उनके कपड़े पहचान लिए गए हैं, प्रशासन भी जानता है, तो वो जो क्षति पहुंची है, वो जो नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी उन बच्चों के लिए कौन करवाएगा, कैसे होगा? उनकी तनख्वाह से होगी, उनकी संपत्ति बेची जाएगी, क्योंकि लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में नोटिस सर्व होने लगे हैं, तो उन लोगों के नोटिस क्यों नहीं सर्व हुए? उन लोगों से उस सामान की क्षति की वसूली क्यों नहीं हो रही? आज एक बड़ा सवाल बन गया। ठीक है, सारे ओल्ड बॉयज हमारे साथ बैठे हैं और उनके साथ बैठ के ओल्ड बॉयज की हैसियत से हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और क्योंकि मैं प्रदेश में प्रवक्ता भी हूँ समाजवादी पार्टी का, इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमने ये प्रेस इसलिए बुलाई थी कि कल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये घोषणा की, जब मानवाधिकार के लोग आए, कि यूनिवर्सिटी में पुलिस गलत आई और पुलिस के खिलाफ FIR होगी, तब हमें ये पता चला कि ये एक साजिश है कि पहले पुलिस बुलाई जाती है, फिर ये कहा जाता है कि पुलिस गलत आई, पुलिस के खिलाफ FIR होगी। तो FIR होगी तो कितने दिन में होगी? 2 दिन में 5 दिन में 7 दिन में? ये FIR का टाइम दिया जाए, और जो लड़के पिटे हैं या जिनकी मोटरसाइकिल टूटी हैं या जिनके साथ जिनको क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और तारिक मंसूर साहब ने अपने काल में इतनी जल्दी अपने बेटे को लॉ फैकल्टी में मोहम्मद नासिर को कन्फर्म कर दिया, अपने भाई की लड़की को जरीन फारूक को MBA में असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया, अपनी वाइफ को हमीदा तारिक जी को AMU वेमेंस क्लब का पैटर्न बना दिया। यानी वो अपना विकास कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि लड़कों का क्या होगा। लड़के बेचारे पिटे डुले गरीब, जिनके निहत्ते, जिनके हॉस्टलों में घुस के पुलिस ने मारा, RAF ने मारा, तो आप उसके खिलाफ FIR करें। हम उनको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति जी से एक डेलीगेशन के थ्रू ओल्ड बॉयज का टाइम मांगा है। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में पुलिस का दुरुपयोग कराया गया है और लड़कों को पिटवाया गया है। जनाब क्या कहेंगे, पहले यूनिवर्सिटी आगे आती है फिर पीछे हो जाती है FIR को लेकर, इसमें क्या लगता है? FIR में हमने कह दिया है कि FIR अगर झूठी हुई है तो बहुत जल्द हमारी सरकार आ रही है, झूठी सारी FIR वापस होंगी। किसी छात्र से मिलने नहीं गए, पहुंची, क्या कारण है, क्या अलग? हम नहीं चाहते थे कि किसी वजह से हमको प्रशासन कहे कि अमन और शांति खराब करने के लिए आप भूमिका बना रहे हैं या अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम साथ हैं, अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लड़के और असातिज़ा के साथ है, दिल से साथ है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए दिल से साथ हैं। एक महीने बाद प्रेस वार्ता करने का क्या? बताया ना, कल प्रेस में बताया है उन्होंने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पुलिस आई थी गलत आई थी, तो पुलिस गलत आई थी तो FIR कराएं, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई है आज।